हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम देखेंगे कि ये केबल कितने टाइप से या कितने तरीके से ख़राब हो सकती है। तो ये 2 फिट की इथरनेट केबल है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं वाईफाई नेटवर्क स्विच नेटवर्क में इस समय वर्क कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो मुझे ये प्रॉब्लम मिली। मैंने पाया कि ये केबल ख़राब है। ये 2 फुट की केबल होती है, होती तो है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग साइज की होती है, लेंथ की होती है। 100 मीटर की होती है, 10 मीटर की, तो 2 मीटर की या 2 फिट की होती है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो आज हम जानेंगे कि ये ख़राब कितनी तरीके से हो सकती है। तो मैंने जो नोटिस किया है वो 3 टाइप से इसको नोटिस किया है कि ये 3 टाइप से खराब हो सकती है। पहला टाइप जो हो गया कि इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, यानी कि इधर से इधर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बीच में कोई तार ब्रेक हो गया है। बीच में से नहीं होता है मोस्टली तार ब्रेक, इसका यहाँ पर जो कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करता है दूसरे कनेक्टर में फीमेल में, उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए खराब हो जाती है, कॉन्टेक्ट नहीं बना पाती। दूसरी जो बात है कि ये कॉन्टेक्ट तो बना पा रही है लेकिन इस पर कोई डाटा सेंड नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है कोई डाटा सेंड ही नहीं हो रहा, कनेक्शन तो बन रहे हैं। आप ये कंटिन्यूटी चेक करोगे, ये कंटिन्यूटी चेक करोगे, कंटिन्यूटी आ रही है लेकिन डाटा सेंड नहीं हो रहा, तो एक इसका ये भी रीजन है खराब होने का। तीसरे टाइप का जो इसका थर्ड रीजन है खराब होने का, वो ये है कि ये कनेक्शन तो बना पा रही है और डाटा भी सेंड कर रही है, लेकिन हम भेज 1 गीगाबिट पर सेकंड का रहे हैं इस साइड से, और दूसरी साइड जो हमें डाटा मिल रहा है इस साइड वो 100 मेगाबिट पर सेकंड का मिल रहा है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई डाटा का लॉस हो रहा है इसमें सीधे सीधे। तो ये तीसरा टाइप होता है इसका खराब होने का। तो अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप केबल चेंज करके भी बार बार उसको ठीक कर सकते हो। 25% 30% केस में ये होता है कि डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, आपकी केबल खराब होती है, 2 नेटवर्क के बीच या 2 स्विच के बीच डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो मोस्टली उसमें केबल खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो 30 से 40% होते हैं। जबकि ऊपर से देखने में फिजिकली या विजुअली इसको चेक करने में आपको कोई इतना डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो आई होप आपने कुछ सीखा आज मेरे एक्सपीरियंस से। मुझे मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर फील्ड में, और मैं इसी टाइप की वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालते रहता हूँ। तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।